आपका इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था, अभी आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर अ फॉलोइंग पैरेललोग्राम, आपको ये सब पैरेललोग्राम दिया है, फाइंड द एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। अपन इसको नाम दे दो बेटा ए बी सी और डी। मैडम आपने तो पेन से दिया, आपको पेंसिल से देना है। क्या लिखना है आपके पास? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जब आपके पास ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे अपने पास बी ओ डी ये जो एंगल दिए हुआ है आपके पास, ये बी ओ डी ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्या लिखेंगे अपन? इक्वल अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, पर अपन ने तो ऊपर ही बोला ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इन पैरेललोग्राम लिखना है क्या? नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अपन ने पैरेललोग्राम तो बोला वही है। तो फिर अपने पास एंगल डी इज इक्वल टू कितना दिया? 50। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 50। आपके पास बी 50 हो गया तो आपके पास ये जेड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर के हिसाब से जेड कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? एंगल बी प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। एंगल बी प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। एंगल बी प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। क्या लिखना है आपको? लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर जो है आपके पास, मैडम हमने तो ये पढ़े ही नहीं, हमको लीनियर पेयर तो पता ही नहीं। देखो ये ऐसा रहेगा लीनियर पेयर, या फिर आपको ये और ये अल्टरनेट एंगल ऐसा लिखना पड़ेगा, ये और ये बताना पड़ेगा, ये और ये अल्टरनेट ऐसा लिखना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा भी लिखना सकता जम सकता है बेटा। आपके पास बी कितना है? 50 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू पता है क्या? नहीं। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 150 माइनस 180 माइनस 50, तो एंगल जेड इज इक्वल टू कितना गया? 130। कितना आ गया बेटा आपके पास? एंगल जेड इज इक्वल टू 130। फिर एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल वाई अल्टर नेट एंगल। मैडम ये कैसे अल्टरनेट हुए? देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल रही थी और ये हो गया उसका ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे अपने को एक लाइन एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा आपके पास? ए बी पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल। आपके पास ये दो लाइन पैरेलल होगी तो ट्रांसवर्सल आ गया सी बी, ट्रांसवर्सल सी बी ये ट्रांसवर्सल। देखो मैं यहाँ पे आपको रफ में किसी डायग्राम निकाल रही, ये डायग्राम है और ये आपके पास ट्रांसवर्सल है, ये आपके पास ट्रांसवर्सल। तो यहाँ का और यहाँ का ये जो एंगल रहेगा इसके इधर का, ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। ये देखो ये दो लाइन पैरेलल हो गए अल्टरनेट एंगल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अल्टरनेट एंगल। तो एंगल जेड इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 130 इज इक्वल टू एंगल वाई, यानी एंगल वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 130 डिग्री। फिर एंगल वाई और एंगल एक्स इज इक्वल टू दोनों इक्वल रहेंगे, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। क्या लिखेंगे अपन रीजन में? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा? 130। अब 130 आ गया अपने पास, देखो ये 130 और ये 50, यानी अपने पास जो सप्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो वो हो जाएगा ये 130 तो सप्लीमेंट्री। यहाँ पे अपने पास ये आ गया अपने पास x इज इक्वल टू 130 ये 50, तो ये भी हो गया एडजेसेंट एंगल के सम सप्लीमेंट्री, यानी 180। यानी आपके ही पास ये जो क्वेश्चन सॉल्व करिए आपका राइट है। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। सर इसमें भी नाम दे दीजिएगा आपको, क्या नाम देना है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं बेटा, जैसा आपके पास यहाँ पे आ गया ए बी सी और डी, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है। यहाँ पे आपको क्या बोलना है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।
ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब आपके पास यहाँ पे पैरेललोग्राम तो है, फिर यहाँ पे आपको जो है उसमें लिखना है ए सी इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट ओ, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे बेटा? एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे। तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल का नाम लेना। अपन एक ही ध्यान में रखो बेटा, यहाँ पे आपके पास ये 90 दिया, तो यहाँ पे भी x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। एंगल x इज इक्वल टू 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आपके पास यहाँ पे ये x 90 हो गया, तो यहाँ पे अपने पास ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DOC, DOC में एंगल y प्लस x प्लस 30 डिग्री। मैडम आपको ये कैसा समझेंगे? तो इसमें लेटर के नाम भी लिख सकते हैं बेटा। आप देखो क्या आ जाएगा, एंगल DOC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल CDOE इज इक्वल टू 180। क्या लिखना है यहाँ पे? रीजन में लिखना है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टीज ये लिखे अपन ने। अब ओ, ओ की जगह पे एक्स है, एक्स कितना है, एक्स की जगह पे अपन क्या लिख सकेंगे? 90 प्लस सी कितना है आपके पास? 30। पर डी की जगह पे क्या है आपके पास? वाई इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पे कितना जाएगा? 120, यानी एंगल वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री। ये हो गया आपके पास एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर ये और ये दो लाइन पैरेलल है, और ये अल्टरनेट आ जाएंगे, तो क्या बताना है आपको? अल्टरनेट। यहाँ पे आपको लिखना है डी सी पैरेलल टू ए बी। देखो मैं दो लाइन यहाँ पे आपको रफ डायग्राम निकाल दे रही हूँ, ये डी सी हो गया और ये हो गया आपके पास ए बी। यहाँ पे आपके पास आ गया डी, ये डी और यहाँ का सी और यहाँ का ये आ गया ए और बी। ये दो लाइन है आपके पास, ये एक ऐसा ट्रांसवर्सल है। ये देखो मैंने ये ट्रांसवर्सल निकाला है, ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ का ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। ये रफ डायग्राम है बेटा आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी सी पैरेलल टू ए बी एंड ट्रांसवर्सल डी बी, ट्रांसवर्सल डी बी। ये देखो ये आपके पास ट्रांसवर्सल डी बी आ गया, आ गया डी बी। तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, क्या लिखे? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल जेड इज इक्वल टू कितना जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि वाई दिए हुआ है, आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे आप इसको नाम वन दो या फ्रॉम वन पर से कैसा भी लिखो, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये आपको घर पे होमवर्क है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। देखो सेम इसकी जैसे ही है, इतना है, ये डायग्राम को ऐसा बताया हुआ है, ये डायग्राम को ऐसा खड़ा बताया, इसको ऐसा आड़ा, यानी इसको आपको हॉरिजेंटली बताया और इसको वर्टिकली बताया हुआ है। और वर्टिकली में भी आपने जो ऐसा अपोजिट जो लिया था और फिर लीनियर से आपने ये निकाला था, सेम वैसे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अपोजिट लेना है, यानी आपके पास एंगल वाई इज इक्वल टू 80 हो जाएगा और ये एडजेसेंट एंगल की सम कितनी रहती है? 180। तो ये आपके पास 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये आपके पास 100 है तो यहाँ का अपोजिट एंगल भी 100 हो जाएगा, फिर ये 100 है तो यहाँ का आपका पास जेड भी कितना हो जाएगा? 80, यानी लीनियर से, या फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 80 है तो ये भी 80 आप बोल सकते हैं। ये आपको फोर्थ वाला घर पे होमवर्क है, अगर नहीं आया तो कल मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। पर मुझे डाउट पूछना आपने 3:30 बजे, अगर ये क्वेश्चन नहीं जमा तो मुझे आप 3:30 बजे डाउट में पूछ लेना।